प्रसाद देना पड़ता है कल। अरे तो यमराज ने कहा बात तो इनकी सही है, ये बच्चे को नहीं दे सकते, बच्चे क्या गलती, वो तो जानता नहीं ना, फिर किसको दें। अब यमराज की समस्या है कि उन्हें किसी ना किसी को तो देना है, तो ये यमराज का काम ही यही है, भगवान की सेवा वो यही सेवा है कि सब बैलेंस रखो, है ना, क्रेडिट गोज डेबिट का बैलेंस शीट बराबर रहनी चाहिए। तो यमराज ने कहा ऐसा करते हैं कि बच्चा तो अनजान है, बच्चे को नहीं दे सकते, तो इसके माता पिता तो जानकार है, उनको दे दो। बच्चा कोई भी गलती करे उसका पर, उसका जो भी पाप करे उसका फल कौन भुगते, माता पिता। तो माता पिता ने क्वेश्चन रेज कर दिया, भाई बच्चा तो छोटे में तो चलो समझते है, वो बड़ा होके पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या करके जाएगा, हम क्यों उसका तो यमराज ने तो ये भी बात सही है, मतलब तो आज की डेट में गवर्नमेंट को टेंशन होती है सब बैलेंस करने में, तो पुराना ही है, तब से चला आ रहा है। तो यमराज ने फिर एक सिस्टम निकाला क्या कि भाई ऐसा करते हैं कि जब तक बच्चे अनजान हैं तब तक पूरा माता पिता ले जाओ, ठीक है, पूरा जो बच्चे अनजाने में जितने पाप किए सब कौन ले जाए, माता पिता। फिर जब तक बच्चे 50-50 हैं, कुछ समझते हैं कुछ चीजें नहीं समझते हैं, उस तक 50-50 रखो, आधा बच्चे को मिलेगा आधा माता पिता को। फिर एक जब समझदारी के बाद जब उनको आधार कार्ड मिल जाए उसके बाद सारा कौन लेके जाएगा, बच्चे लेके जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है, पर वो ऋषि ने उनको यमराज को साफ दिया कि आपने जो गड़बड़ करी है इसकी वजह से आप जो है दासी के पुत्र बनेंगे। और वो चूंकि ये सब भगवान के अरेंजमेंट से होता है, लीला में भगवान के विदुर जी को आना था, सेवा होनी थी, इसलिए ऐसा हुआ और विदुर जी आए। तो जब विदुर जी को धृतराष्ट्र ने बुलाया कि क्या करना चाहिए, तो विदुर ने बताया कि भगवान आप कुछ भी कर लो पर एक चीज ध्यान रखो कि उनके तरफ कौन है, भगवान है, तो जीत किसकी होगी, ये तो तय है, ठीक है। अब आपको निपटना है कि कितना नुकसान आपको करवाना है अपना। तो कहते देखो एक चीज मान लो आप कि जब तक आप अपने इस बेटे के बात में हाँ मिलाते रहोगे तब तक ये, इसको तो मरना है, ये पूरा वंश नाश करवाएगा, तो एक काम करो इसको दो निकाल, इसको निकालो यहां से, यही सब गड़बड़ करवा रहा है, कौन, इसको निकाल दो सब सॉल्व हो जाएगी समस्याएं। और धर्म के हिसाब से जो है युधिष्ठिर पांडवों को आप उनका राज्य वापस कर दीजिए, बेचारे वनवास नहीं करके आ गया, सब हो गया जो जो था, अब तो धर्म के हिसाब से बनता है, उनका राज्य वापस कर दीजिए और आपको अगर शांतिपूर्ण तरीके से जीवन जीना है तो अपने इस बेटे को क्या कर दीजिए, निकाल दीजिए। धृतराष्ट्र को ना अपने, धृतराष्ट्र मरा पुत्र मोह में, कभी कभी पुत्र मोह इतना ज्यादा हो जाता है कि गलत काम को भी हम सपोर्ट करें करना पड़ता है, और उस चक्कर में पुत्र तो गलत कर ही रहा है लेकिन वो क्या होता है पूरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, यहाँ पे वंश नाश हो गया। तो दुर्योधन ने तो ये सा सुना तो वो तो भैया नाराज हो गया, दुर्योधन कहता है ये दासी पुत्र को यहाँ बुलाया किसने, ये हमारी खाता है और हमारे विरोध में बोल रहा है, जिस थाली में खाता है उसमें छेद कर रहा है, इसको निकालो यहां से और इसको राज्य से बाहर निकाल दो, और ध्यान रखना कि अपनी श्वास के अलावा कुछ और ना लेके जाए। तो विदुर जी वहीं पे अपना जो धनुष वनुष जो कुछ भी था वहीं छोड़ के और बाहर हो गए, और विदुर जी कहते हैं थैंक यू सो मच। कल हम इस पे थोड़ा चर्चा की थी ना, आप कोई गया ऑफिस और उसको बुरी बुरी गाली दे के और ऑफिस से तो जॉब से निकाला, घर जॉब से उधर से निकाला, बेचारा घर आया घर वालों ने
में भी निकाल दिया। बोले घर में भी नहीं रह सकता और देश में भी नहीं रह सकता, पैसा नहीं लेके जा सकता, क्या लेके जा सकता अपने साथ? सांसें बस। और वो व्यक्ति क्या बोल रहा है? थैंक यू सो मच। क्यों? क्योंकि वो भक्त है। वो विदुर जी कहते हैं कि क्या बात है, भगवान कृष्ण ने कितनी बड़ी मेरे ऊपर कृपा कर दी कि मैं ये सब राजपाट घर गृहस्थी में फंसा हुआ था, छोड़ नहीं पा रहा था, एक बहाना मिल गया, अब आराम से मैं क्या करूंगा, आराम से जाता हूं, घूमूंगा, भजन करूंगा, श्रवण कीर्तन करूंगा, कहां इतना फंसा हुआ था। कितना अच्छा दुर्योधन, कितना बढ़िया आदमी है, है ना। मेरा जो काम मैं नहीं कर पा रहा था दुर्योधन ने कर दिया, मेरा काम आसान कर दिया। और विदुर जी हंसी हंसते हंसते अब वो चाहते तो कृष्ण के पास सीधे चले जाते, लेकिन वो नहीं गए। क्यों? क्योंकि विदुर जी बहुत विनम्र हैं, भक्त बहुत विनम्र होता है। विदुर जी को लगा कि यार इतने साल इस पापी का खाया मैंने, शुद्ध तो हूं नहीं मैं, जबकि वो शुद्ध भक्त है, लेकिन उनको लग रहा है कि मैं शुद्ध नहीं हूं, मैं क्या करूंगा, सभी तीर्थों में जाऊंगा, सभी तीर्थों में स्नान करके आऊंगा, तब मैं शुद्ध हूंगा, तब मैं कृष्ण के सामने जाने के लायक बन पाऊंगा, क्योंकि जो शुद्ध है वही कृष्ण के पास जा सकता है। तो गए सभी तीर्थों में, और जब लौट के आए तब तक यहां सब जो बोल के गए थे यहां सब हो चुका था, है ना। तो जब वो इस तरीके से घूम के आए सभी तीर्थों में, और घूमते घूमते प्रभास क्षेत्र में गुजरात साइड जब गए, और उधर उन्हें इस बात की जानकारी हुई कि महाभारत खत्म हो गया है, भगवान कृष्ण भी जो है यहाँ नहीं, भगवान कृष्ण भी जा चुके हैं, यादवों का नाश हो गया, सब उसको विदुर जी को पता चल गया। और फिर वो उधर से आए, विदुर जी उद्धव को मिले और उद्धव से उन्होंने बातचीत किया वृंदावन में। उद्धव से कहते हैं कि आप जाते जाते भगवान ने उद्धव को ज्ञान दिया था, जो कि 11वें स्कंद में आता है, जिसे आप उद्धव गीता के नाम से जानते हैं, है ना, जो कि भागवतम का सबसे बड़ा उपदेश है, 23 अध्याय में पूरा फिलॉसफी है, बीच में छोटी छोटी सी कथा है। तो उसके बाद जो है विदुर जी से कहते हैं, उद्धव से कहते हैं कि आप हमें बताइए जो भगवान ने आपको लास्ट में जाते जाते, जो जब भी कोई व्यक्ति जा रहा है तो अंतिम समय में जब वो जाते जाते सबसे इम्पोर्टेंट बात बोलता है ना, कि इतने इतने का बैंक बैलेंस यहाँ मैंने छिपा के रखा है। तो भगवान ने उद्धव को जो लास्ट इंस्ट्रक्शन उपदेश दिया तो वो कहते हैं आप हमें बताइए। तो यहाँ पे उद्धव जी, प्रभुपाद जी ने इस पर काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है कि उद्धव उम्र में उनसे छोटे थे, तो उद्धव कहते नहीं मैं आपको नहीं बताऊंगा, और इसे कहते मर्यादा व्यतिक्रम। तो आप जो है मैत्री ऋषि भी वहां पे थे, आप मैत्री ऋषि से पूछ लीजिए, और उनको भगवान ने जाते जाते कहा था कि जो है आप जब आपको विदुर जी मिलेंगे तब आप उनको ये ज्ञान जो मैंने आज आपको दिया है ये आप किसको बता देना, विदुर को। तो वहां से उद्धव जी से मिलने के बाद विदुर जाते हैं हरिद्वार मैत्रेय को मिलने, और वहां मैत्रेय ऋषि से मिलके फिर वही बात पूछते हैं ना कि आप हमें भगवान की लीलाओं के बारे में बताइए। और तो ये जो मैत्रेय और विदुर का संवाद है ये चलेगा लंबा, 5वें स्कंद के 10वें 15वें अध्याय का। तो जब विदुर ने मैत्रेय से इस बारे में जब प्रश्न किए तो मैत्रेय शुरू में उनको बताते सृष्टि कैसे रचना हुई, तो शॉर्ट में बता देता हूँ, भगवान जब भगवान कृष्ण के दाहिने तरफ से, है ना, एक्चुअली मैं समरी कर देता हूँ थोड़ा, फर्स्ट स्कंद प्रथम स्कंद में भी कुछ वर्णन आया है, द्वितीय में भी आया है, तृतीय में भी आएगा। भगवान अकेले हैं
और जब उनको आनंद लेना है तो उनके बाएं तरफ से राधा रानी निकलती है, दाएं तरफ से बलराम जी निकलते हैं। ठीक है, बलराम जी जब बलराम जी से आगे अब सब होता है फिर बलराम जी के बाद। ठीक है, कृष्ण से कौन आया? बलराम। बलराम से फिर चार, उसे कहते हैं चतुर्व्यूह एक्सपेंशन, है ना, संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध वासुदेव। ठीक है, ये संकर्षण से फिर नारायण आते हैं, फिर इस नारायण से फिर चतुर्व्यूह आता है संकर्षण अनिरुद्ध वासुदेव प्रद्युम्न, फिर ये जो संकर्षण है इन संकर्षण से फिर दो, एक तो सदाशिव, जो अब ये जो गोलोक वृंदावन है, जो आध्यात्मिक जगत है, जो भौतिक जगत है, उसके बॉर्डर में एक लोक है जिसे कहते हैं कैलाश, उसमें ऊपर सदाशिव, नीचे जो है शंभू यानी महाकाल कह सकते हैं, जो भौतिक जगत का पार्ट है। तो कृष्ण और शिव में क्या फर्क है? ब्रह्म संहिता में आता है जैसे दूध और दही में जो फर्क है, दूध से दही बन सकता है, दही से दूध नहीं बन सकता, पर दूध और दही में पैसे कहेंगे तो कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो शिव कहां से आए? संकर्षण से। पांचवें स्कंद में आप देखेंगे इसीलिए इलावृत जी हमेशा संकर्षण को प्रार्थना करते रहते हैं। तो वहां से एक जो संकर्षण से एक तरफ तो शिव जी आ गए सदाशिव, और दूसरे तरफ कौन आया? महाविष्णु, कारणोदक्षायी विष्णु, भौतिक जगत के जो अंधकार उसमें वो डल मैटर यानी कि वो निर्जीव है, तो जब उसमें कारणोदक्षायी विष्णु आते हैं तो उसमें कुछ जान आती है, है ना, जैसे कोई डेड बॉडी है उसमें अगर कोई आत्मा प्रवेश करे तो उसमें जान आएगी, इस तरह से वो डल मैटर है पूरा, उसमें भगवान कारणोदक्षायी विष्णु आते हैं। कारणोदक्षायी विष्णु जब लेटे हुए हैं पानी में, वो आप देख लीजिए फोटो में, जब कारणोदक्षायी विष्णु सांस छोड़ते हैं तो उनकी सांस छोड़ने के साथ असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, और जब वो सांस वापस लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड उनमें समा जाते हैं, तो उनकी एक सांस के बीच में ही सब होता है। अभी उन्होंने सांस छोड़ी हुई है इसलिए हम लोग हैं, जब वो सांस ले लेंगे हम लोग भी अंदर। ठीक है, तो जब वो सांस छोड़ते हैं असंख्य ब्रह्मांड बनते हैं, उस एक ब्रह्मांड में, हर ब्रह्मांड में सिमिलर चीजें होती हैं, तो एक ब्रह्मांड का वर्णन है, उस एक ब्रह्मांड, वो सारे ब्रह्मांड, वो अंडे, वो भी सब डेड हैं, निर्जीव हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? फिर यही महाविष्णु या कारणोदक्षायी विष्णु फिर से विस्तार करके उस एक ब्रह्मांड में चले जाते हैं, और वहां पे वो गर्भोदक्षायी विष्णु के रूप में वहां पे 1000 साल तक आराम से रेस्ट करते हैं। और कैसे रेस्ट करते हैं? अपने पसीने से एक समुद्र बनाते हैं। तो आप वो पूरे ब्रह्मांड के व्यास में लेटे हुए गर्भोदक्षायी विष्णु अपने पसीने से एक समुद्र बनाते हैं, उस समुद्र को समुद्र से आधा ब्रह्मांड भर देते हैं, जिसको कहते हैं गर्भोदक सागर। उस गर्भोदक सागर पर भगवान सोते हैं, उनकी नाभि से कमल निकलता है, कमल पर ब्रह्मा का जन्म होता है, भगवान ब्रह्मा को ज्ञान देते हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करके 14 लोकों का निर्माण करते हैं जिसे कहते हैं त्रिभुवन, भू हुआ स्वभाव होते हैं। तो वो ऊपर का, बीच का और नीचे का, इसलिए वो त्रिभुवन 3 लोक को 14 में डिवाइड किया, 14 लोक है उसमें। ठीक है, तो यहां पे जब फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि को भरना है ना, तो ब्रह्मा जी ने प्रजा बनाने के लिए 4 पुत्र पैदा किए, सनक सनातन सनंदन सनत कुमार। चारों पुत्रों से ब्रह्म बहुत तेजस्वी पुत्र हैं ये चारों, है ना, चारों से कहा कि आप क्या कीजिए? सृष्टि कीजिए। तो वो कहते हैं नहीं, हम सृष्टि नहीं करेंगे, हम भक्ति करेंगे, हम तो जा रहे हैं भजन करने, हमें नहीं करना ये सब घर गृहस्थी का काम, मैं पिता हूं, मुंह पे ही मना कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी का तात्पर्य में लिखते हैं, खुद क्वेश्चन रेज करते हैं प्रभुपाद जी, क्योंकि जो चार प्रमाणिक वैष्णव संप्रदाय पदम पुराण में जिनका नाम है उनमें से एक कुमार संप्रदाय भी है, कुमारों का, यानी कि एक संप्रदाय के टॉप मोस्ट आचार हैं ये चारों कुमार। तो प्रभुपाद जी खुद प्रश्न करते हैं कि ऐसे कैसे आचार्य हैं कि अपने पिता की ही नहीं बात मानते, जब आचार्य जी ऐसा है कि अपने पिताजी की ही नहीं बात मानते तो ये क्या है।
तो आचार्य उसमें बताते हैं कि हायर पर्पस के लिए, भक्ति के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी की बात नहीं मानी तो सही है, यानी कि अगर कोई बेटा ब्रह्मचारी बनना चाहे तो सही है, क्यों, वो भक्ति करना चाहता है, भगवान का नाम लीला का प्रचार प्रसार करना चाहता है, इस वजह से अगर वो पिता की आज्ञा नहीं मान रहा है तो बात क्या है, सही है। कैसे सही है? ये ऐसे सही है क्योंकि जब आगे आप देखेंगे तो ब्रह्मा जी इन्हीं चारों कुमारों को ये आचार्य की उपाधि दी है, भगवान ने भी इसकी संस्तुति की है कि हाँ नहीं तुमने सही किया है ना, तो भगवान भी प्रसन्न है, ब्रह्मा जी भी बाद में समझ जाते हैं और बाद में प्रसन्न होते हैं। और एक ऐसा, अभी आगे जब हम पृथ्वी स्कंद में चल रहे हैं, आगे जब हम चर्चा करेंगे तो हम देखेंगे कि ब्रह्मा जी खुद ऐसा काम करते हैं कि ये चारों के चारों ब्रह्मचारी बने रहे, कभी गड़बड़ ना हो। ब्रह्मा जी, इसका मतलब है कि ब्रह्मा जी भी चाहते हैं कि ये जो कर रहे हैं वो सही है, नहीं? अभी आगे मैं बताऊंगा, इसको ध्यान रखना, ठीक है? तो ये चारों तो चले गए, ब्रह्मा जी का यार उस समय तो बहुत गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, कंट्रोल करने की कोशिश करी गुस्से को, लेकिन वो कंट्रोल नहीं हुआ, दोनों भावों के बीच में आके निकल, एक बच्चा था और वो बच्चा रो रहा था, इतना रो रहा था, मैं कौन हूं, मुझे क्यों पैदा किया, मेरा काम क्या है, रो रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा इतना रो रहा है इसका नाम रुद्र, रो रहा है रुद्र, तो यहां शंकर जी रुद्र के रूप में आए, ठीक है? तो ऐसे इस हिसाब से शंकर जी कौन हुए, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए, ठीक है? तो फिर उनको 11 रुद्राणियां पत्नी दी, 11 रुद्र के रूप में उनको कहा कि आप जाइए और उनको सृष्टि कीजिए। तो रुद्र ने जो सृष्टि करी, भूत प्रेत पिशाच सारे बना दिए, वो उन्हीं को ब्रह्मा जी को ही खाने के लिए तैयार हो गए, है ना? तो ब्रह्मा जी को रुको, क्या कर क्या रही, ऐसा करो ना, आप हो गए सृष्टि, इतना ही चाहिए था हमें, अब आप क्या कीजिए, आप जाइए कहीं तपस्या कीजिए, हो गया बस, ठीक है? तो ब्रह्मा जी कहते हैं यार ये तो बड़ा टेंशन वाली बात है। तो इसके बाद ब्रह्मा जी ने जो है 10 पुत्र पैदा किए। तो जब उन 10 पुत्रों का वर्णन आता है तो उसमें स्वयंभू, पहले उसके पहले स्वयंभू, जब ब्रह्मा जी इस तरह से पूरी तरह से कुछ नहीं हो रहा था, सृष्टि नहीं हो रही थी, तो ब्रह्मा जी ने उनके शरीर से दो, एक पुत्र, एक लड़का एक लड़की प्रकट हुए, ठीक है? उसका नाम हुआ स्वयंभू मनु और उस लड़की का नाम हुआ शत्रुपा, है ना? यहां से लंबा इनका चलेगा, ये स्वयंभू मनु बहुत इंपॉर्टेंट चरित्र है भागवतम में, इनकी ही चर्चा चलती रहेगी 5वें स्कंद तक, है ना? फिर इनकी चर्चा इतनी लंबी हो जाएगी, 14, ये एक मनु है, 14 मनु होते टोटल, ये एक है, इनकी चर्चा इतनी लंबी हो जाएगी तो बाकियों की शॉर्ट कर देंगे, हो गएंगे भी 7 दिन ही, है ना? तो स्वयंभू मनु शत्रुपा, इनके 2 पुत्र हुए और 3 पुत्रियां, 2 पुत्र का नाम उत्तानपाद और प्रियव्रत, 3 पुत्री आकृति प्रसूति देवहूति, ठीक है? तो मनु महाराज से ब्रह्मा जी कहते कि आप, मनु महाराज कहते कि हे परमपिता मेरा क्या सेवा है, है ना? ये दूसरे तरह का लड़का, है ना? अजीब अजीब चरित्र आपको मिलेंगे भागवतम में, ये पहले पुत्र तो भाग्य छोड़ दिए, दूसरे ने काम किया सब बर्बाद कर दिया, फिर अभी मनु कहते हैं कि आप बताइए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हमें भगवान ने सेवा दी है प्रजा बनाने की, सृष्टि चलाने की, और पुत्र का काम है कि वो पिता की मदद करे, तो आप जो है पृथ्वी पर सृष्टि बनाइए। तो मनु महाराज गए, वापस आ गए, बोले आपने कहा प्रजा कीजिए पृथ्वी पर, हमें पृथ्वी ही नहीं मिल रही, पृथ्वी ही नहीं है, कहाँ करूँ, उधर कभी कोई कुछ काम बोलो, बच्चा कहता है मम्मी को मिल ही नहीं रहा था, तो वहीं देख होगा। तो मनु महाराज कहते हो पृथ्वी नहीं मिल रही, तो ब्रह्मा जी टेंशन में आकर पृथ्वी कहाँ है, तो पता चला पृथ्वी कहाँ है, वो गर्भोदक सागर में है ना, भगवान ने सागर बनाया ना, उसमें पृथ्वी नीचे तलहटी में डूबी हुई है।
तो अब कैसे करें क्या करें, ये चिंतन चल रहा था और सब लोग इस पे सोच रहे थे कि पृथ्वी को कैसे निकालें। उसी समय ब्रह्मा जी की नाक से कुछ तो भी निकल के आया, ठीक है। तो सब लोग अंगूठे के आकार का है ना, सब लोग कहते ये क्या है ये क्या है ये क्या है, ऐसी बातचीत करते करते ना वो देखते देखते और बड़ा हो गया और बड़ा हो गया और बड़ा हो गया और इतना बड़ा हो गया कि आकाश तक पहुंच रहा था। शुक्र रूप भगवान बरहदेव की, यहाँ भगवान बरहदेव का प्राकट्य हुआ। भगवान बरहदेव को देख के भगवान बरहदेव कहते हैं कि मैं भगवान ही हूँ, डरो मत, है ना। भगवान बरहदेव का वर्णन आता है, अब वो पृथ्वी को जाके समुद्र में गए, पृथ्वी को अपने नथनों पे उन्होंने रखा और ले जाके वापस वहां पे स्थापित कर दिया, ठीक है। तो ये हुआ पहले मनमंत्र में। इसके साथ साथ छठवें मनमंत्र में भी जो है इस तरह भगवान बरहदेव आए दोबारा, है ना, तो उसकी भी कथा साथ साथ मैत्रेय ऋषि बता देते हैं, है ना। तो उसमें क्या हुआ कि जब भगवान बरहदेव दोबारा आए तो बरहदेव जब पहली बार आए श्वेत वराह, दोबारा आए रक्त वराह, श्वेत वराह जब आए तो पृथ्वी को निकाल के सीधे स्थापित कर दिया, कोई टेंशन नहीं। तो उसके बीच में प्रश्न आता है कि बरहदेव की और हिरण्याक्ष की लड़ाई क्यों हुई ना, तो ये प्रश्न है। तो इसके उत्तर में वो हिरण्याक्ष की वर्णन आएगा कि, और फिर वो एक बार जब हिरण्याक्ष ने क्या किया था, धरती को गर्भोदक सागर में डुबा दिया था, ये छठवें मनमंत्र है ना, बाद की बात है। तो भगवान बरहदेव धरती को ढूंढने गए और वो भगवान ने ना बरहदेव का रूप इसलिए रखा क्योंकि वही सूटेबल है धरती को खोजने में, क्योंकि इन्होंने ना धरती को गंदगी में छुपाया था, तो गंदगी में कौन घुस सकता है, तो भगवान ने वैसा रूप रखा। इसलिए तो कहते हैं कि भगवान, हमारे प्रभु जी कहते हैं कृष्ण इज मोर इंटेलिजेंट देन मोस्ट इंटेलिजेंट, सबसे ज्यादा बुद्धिमान है उससे ज्यादा बुद्धिमान कौन है, हम कितनी बुद्धि चला ले है ना। भगवान नरसिंह देव ये दोनों भाई बहुत बुद्धि चलाए है ना, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष है ना, इनकी माँ थी दीति आंटी, कहा गया वो कल वो कह रहा था दीति आंटी है ना। तो हिरण्यकश्यप ने भी बहुत दिमाग लगाया था, साथ में स्कंद आएगा। तो भगवान वराह रूप धर के सुनते सुनते पृथ्वी को वहां से निकाल लिए और लेके जा रहे थे पुनः स्थापित करने, ठीक है। तो हिरण्याक्ष के जन्म की, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष के जन्म की बड़ी इंटरेस्टिंग कथा है, वो हम कल कहेंगे, बरहदेव की कथा आज कहेंगे। तो हिरण्याक्ष जो इतना शक्तिशाली था कि ये ढूंढता रहता था, आओ भाई लड़ लो मेरे से, हम लोग कहते नहीं हम नहीं लड़ सकते आपसे भाई, तो ये अपना गदा लेके ऐसे ही घूमता रहता था, अरे कोई मेरे से लड़ो कोई मेरे से लड़ो, क्या धरती क्या ये संसार वीरों से विहीन हो गया है, कोई वीर नहीं बचा इसमें है? कोई नहीं मेरे से, उससे कोई, उसको इतनी खुजली होती थी लड़ाई की, पर उससे कोई लड़ ही नहीं सकता, सबको पता है इससे लड़ूंगा तो मेरा चूरा बना देगा ये। तो सब कहते थे भाई आपसे कौन लड़ सकता है, सब भाग जाते थे, जिधर जाता था उधर खाली। तो ये बड़ा परेशान रहता था, क्यों कोई नहीं लड़ने को ना, आपने कोई लड़ ही नहीं रहा है मेरे से, जबरदस्ती छेड़ता था फिर भी लोग तो ये गदा लेके घूमता रहता था, घूमता रहता था। वरुण देव के पास चला गया, वरुण देव को मानते हैं बहुत पावरफुल है, तो वरुण देव से कहता, हाँ भाई हमने बहुत सुना है आपके बारे में, आओ थोड़ा दो दो हाथ। वरुण देव कहते नहीं हमने ना, मैं ना वृद्ध हो गया हूँ, मैंने संन्यास ले लिया, मैं लड़ाई वड़ाई नहीं करता, पहले कभी करता था क्या, अब तो मैं। तो हिरण्याक्ष कहता है अरे ऐसे कैसे, तुम लड़ो मेरे से। वो कहते नहीं नहीं मैं नहीं, अब मैं नहीं लड़ता। वरुण देव कहते हैं तुम्हें ज्यादा लड़ने की पड़ी है ना, मैं बताता हूँ, एक व्यक्ति है
पहले तो इसने ना इतना उनको उकसाया, पर वरुण देव कंट्रोल किए ना, पता था क्या होगा, है ना। तो कहते मेरे को मालूम है एक व्यक्ति है जो तुम्हारी खुजली मिटा सकता है, और कौन है? वो है कृष्ण, विष्णु। उसके पास जाओ, और वो ना अभी चाहते भी थे कि जाए, तो उसको थोड़ा छेड़ा उन्होंने, वो ना तुम्हें ऐसी चटनी बनाएगा, तुम ना तुम्हें जगह नहीं मिलेगी छिपने की। तो उसको इतना गुस्सा आया, पहली बार कोई ऐसे बोल रहा था अब, लेकिन वरुण देव अपने बारे में तो बोल नहीं रहे, तो उनको कुछ नहीं कह सकता। तो और उसको चढ़ाया और चढ़ाया कि विष्णु ऐसे वैसे तुम्हें यूं मारेगा वो मारेगा, इतना गुस्सा आया, किधर है विष्णु, ढूंढ लो तुम, से कौन कान से छुपाया, जाओ ढूंढ लो। तो भी बिल्कुल झल्लाते हुए ढूंढने के लिए निकला, किसको? विष्णु को। तो इसने देखा कि कोई तो भी धरती को लेके जा रहा है। वराहदेव जब घुसे समुद्र में तो समुद्र को चीर दिया उन्होंने, दोनों तरफ रास्ता हो गया, और धरती को बिल्कुल निकाल के और लेके जा रहे थे, ठीक है। इसने देखा तो कहता है, अरे ओ ये धरती हम रसातल वासियों के लिए है, कहाँ लेके जा रहा है इसको, चुरा के रख यहीं। भगवान ने कुछ नहीं बोला, अपने जा रहे थे। तो अरे हमने तो सुना था तू बड़ा वीर है, तू कायर है, कैसे यहां से लेके जा रहा है। तो भगवान कुछ नहीं बोले इसको, जैसे होता है ना भी कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ जा रहा हो, चार लोग आके उसको परेशान करें, तो शांति से निकल जाता है, घर जाता है, अपनी पत्नी को घर में बिठा के वापस आ गया। बताओ ऐसे ही कुछ यहाँ हुआ। वैसे भी भूमिदेव भी भगवान की पत्नी है, तो वो पृथ्वी को लेके भगवान जा रहे थे। तो बहुत चिढ़ाया वराहदेव ने, पता नहीं क्या क्या बोला कि ये है वो है, पता नहीं क्या क्या बोला, कायर है, लड़ नहीं सकता, बहुत डींगे मारता है, आज ढंग का कोई मिल गया लड़ने वाला तो पीठ दिखा के भाग रहा है, औरत का सहारा ले रहा है, ये पता नहीं क्या क्या बोल दिया। भगवान ने कुछ नहीं बोला, भगवान आराम से धरती को लेके गए, जहाँ रखना था वहां रख के आए, वापस आए। हाँ भाई बहुत बोल रहा था तुम, है कह रहा था ना कि मेरे को मारेगा, मार ले। तो वराहदेव ने जब ऐसे बोला तो हिरण्याक्ष को बहुत ही गुस्सा हो गया, और उसने घुमा के गदा मारा। तो जब वराहदेव को गदा मारा तो वराहदेव ने युक्त करके उसको बचा लिया, है ना। और फिर इनके बहुत भयानक लड़ाई हो गई, ये बीच में लड़ाई चल रही है, चारों तरफ देवी देवता सब ऋषि मुनि खड़े होके देख रहे हैं होगा क्या। जब इनकी गदा टकराती है तो पूरा तीनों लोग हिल जाते हैं, ऐसी आवाज आती है, सब डर रहे हैं क्या होगा क्या होगा। और इधर वराहदेव गदा मारते हैं, उधर वो मारता है, इतना तेज युद्ध चल रहा है। बीच में क्या होता है कि हिरण्याक्ष ने ऐसा गदा घुमा के मारा कि भगवान की गदा गिर गई। जैसे भगवान की गदा गिरी तो जितने भगवान को टेंशन नहीं, जितने देख रहे होते तो हिरण्याक्ष कहता नियत्य को नहीं मारता, उठा गदा उठा। तो फिर भगवान ने फिर गदा उठा के फिर मारा, फिर लड़ाई चला, फिर इस बार काफी देर, अब हुआ क्या था वो कल बताएंगे बैकग्राउंड का। भगवान तो आनंद ले रहे थे लड़ाई का, है ना, क्योंकि उन्होंने सारा खेल भगवान ने इसीलिए किया था कि उनको तो लड़ना था हिरण्याक्ष से, और हिरण्यकश्यप से भगवान को लड़ना था, वो आनंद लेना चाहते थे लड़ाई का। भगवान को भी ऐसे ऐसे शौक है ना, भीष्म देव को इसीलिए दूसरे पार्टी में भेजा, कोई तो रहेगा मेरे से लड़ने वाला ढंग का, है ना। तो इस तरीके से लड़ाई चल रही थी, तो देवता लोग बोले कि कुछ तो सही नहीं है, कहने लगे भगवान आपने खेल खेल बंद करो, उसको मारो यार। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी थोड़ा और एक्स्ट्रा बताते हैं कि भगवान ये मुहूर्त जो है ना, ये बिल्कुल सही मुहूर्त है, इसमें मार सकते हैं, इसके बाद ऐसा मुहूर्त आएगा जिसमें इसकी ताकत बढ़ेगी। भगवान के लिए क्या मुहूर्त है, सारे ही मुहूर्त शुभ है, लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं यही मुहूर्त में मार दो आप, टाइम मत लगाओ यार, हम लोग को टेंशन हो रहा है। तो भगवान
तो भगवान ने देवताओं को थोड़ा टेंशन देखते हुए भगवान ने एक लात घुमा के मारा, हिरण्याक्ष की गदा गिर गई। अब हिरण्याक्ष की गदा गिर गई तो हिरण्याक्ष भगवान ने कहा उठा लो भाई, तो हिरण्याक्ष उठाया मैंने बेइज्जती, तो नहीं उठाएंगे, क्यों उठाएंगे, हम त्रिशूल लिया, त्रिशूल मारा, भगवान ने काट दिया। तो जो कुछ भी हिरण्याक्ष फेंकता था भगवान उसको खत्म कर देते थे। फिर हिरण्याक्ष ने क्या किया, एक माया रच दी, है ना, कहीं से तो ब्लड गिर रहा है, कहीं से हड्डियां गिर रही हैं, कहीं से कुछ भूत प्रेत पिशाच पता नहीं क्या क्या, है ना। तो भगवान ऐसी माया रच दी, कुछ दिख नहीं रहा, अंधकार छा गया, लग रहा है कि प्रलय हो जाएगी, इस तरह का जो है हिरण्याक्ष ने माया रचना वहां पे कर दिया अपनी पावर से। तो तुरंत भगवान ने सुदर्शन को बुलाया और एक सेकंड के अंदर सारी माया खत्म। देवता लोग कहते भाई खेल बहुत हो गया, इसको मारो, है ना, नहीं ये फिर आएगा हमें, है ना। तो इसके बाद भगवान जो है हिरण्याक्ष को थोड़ी देर और लड़ते हैं और बाद में वो और गुस्सा करता है और अस्त्र शस्त्र फेंकता है, लेकिन सबसे बच जाते हैं भगवान और इस झल्ला जाता है, कुछ नहीं कर पा रहा है ना, अभी तो इतना लड़ लो मेरे से, अब कुछ हो नहीं पा रहा है, तो ना बिल्कुल फ्रस्ट्रेट होके सब अस्त्र शस्त्र फेंक के सीधे लड़ जाता है और ना एकदम से दौड़ के भगवान वराहदेव के वक्ष स्थल पे एक घूंसा मारा। तो भागवतम में वर्णन आता है कि जिसे पागल हाथी को कोई फूलों की माला फेंक के मारे तो उसको क्या फर्क पड़ेगा, ऐसे वराहदेव के सीने पे वक्ष स्थल पे हिरण्याक्ष के घूंसे का असर कैसा था, है ना, ऐसा था। तो जब उनको कुछ भी नहीं हुआ, कोई असर नहीं हुआ, तो हिरण्याक्ष को क्या हुआ, हिरण्याक्ष और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया, और ज्यादा परेशान। तो फिर एकदम से ऐसे धड़ाधड़ कई भूसे मारने लगा, भगवान आराम से खड़े, कुछ नहीं हो रहा है। तो उसके बाद बहुत देर हो गई, भगवान ने कहा खत्म करते, देवता लोग बहुत परेशान हो रहे, भगवान ने खींच के एक तमाचा मारा उसे कान के नीचे, ऐसे लिखा हुआ है उसे कान के नीचे तमाचा मारा करते कनपटी पे। अभी तक तो भगवान खेल रहे थे, अब बोले खेल खत्म हुआ, 50 ओवर हो गए, अब इनको खत्म करते, एक तमाचा मारा उसमें ही मर गया ना, भगवान वराहदेव की। तो इस तरीके से भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया और इसके बैकग्राउंड में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की कथा है, कश्यप और दिति से उनका जन्म हुआ, उस कथा को कल कहेंगे। शिल्प प्रभुपाद की जय।